हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल राउंडर चैनल। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी, और आज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मुझे पता है। तो सब्सक्राइब करने वालों को थैंक यू, और बेल आइकन दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें। आज मैं आपको मसूर की दाल और चावल से एक रेसिपी बताने वाली हूँ। ये बघारा भात बोलते हैं हम लोग, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट। आप आश्चर्य हो जाएंगे इसको कितने कम चीज़ों से इतना अच्छा टेस्टी लगता है। तो आप चलिए बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए, मैंने ये मसूर की दाल और चावल को धो लिया है। जो भी आप नॉर्मल चावल खाते हैं वो भी, इसमें कोई ऐसा बासमती बड़ा चावल की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चावल लीजिए। और मसूर की दाल को धो लिया है, ये 10 मिनट से करीब भीग रही है। यहाँ पे हमें लगेंगे थोड़े से प्याज, आप देख रहे हैं इतने चावल में क्वांटिटी प्याज, मतलब प्याज एकदम कम नहीं डालना है। ये 2 बड़े प्याज हैं, हरी मिर्च, और ये तेल मैंने सरसों का तेल है जो मैंने गरम करने रख दिया है, इसे हम कुकर में तुरंत ही बनाएंगे। यहाँ पर है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन मसालों में से हम लेंगे, ये हमारे पास है बड़ी इलायची, दालचीनी, और इसमें से मैं ले लेती हूँ कुछ लौंग। ये छोटी इलायची हमें नहीं लेना है, और लेना है 2 तेज़पत्ता। ठीक है, अब हम चलिए इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को मैं थोड़ा धीमा कर लेती हूँ। ये हमने इसमें डाल दिया है। अगर आपको अच्छी लगती है बड़ी इलायची, वैसे खानी चाहिए, बड़ी अच्छी होती है, फ़ायदेमंद, तो अगर आप उसे पसंद है तो आप चाहे तो 2 डाल दें, और पसंद नहीं है तो आप 1 भी डाल सकते हैं। ये हो गया है, इसके बाद तुरंत हमें अपने यहाँ पे प्याज डाल देना है। प्याज और हरी मिर्च को एक साथ डाल दीजिए। सरसों तेल में बनाइएगा, अच्छा लगता है, वैसे सादा तेल में भी अच्छा लगता है। और अब मैं इसे चलाने के लिए ले लूं। अब गैस को थोड़ा सा मैं तेज कर देती हूँ। हमें यहाँ पे अपने प्याज को थोड़ा सा भूनना है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा खाने में, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम लाल नहीं करना है प्याज को, ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। बड़ी इलायची बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इसमें, क्योंकि उससे ही सारी खुशबू आती है, तो उसको आप स्किप ना करें बिल्कुल भी। बहुत कम ही चीज़ें हैं, इतने कम इंग्रेडिएंट में आपको इतना अच्छा खाना मिल रहा है, तो आप इसमें से कोई भी चीज़ स्किप ना करें, सभी चीज़ें डालें, क्योंकि इनका अपना एक अलग ही टेस्ट आता है। प्याज अभी भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट बस हुए हैं, इसे हम हल्का सा और भून लेते हैं। कई लोगों को क्या है, सॉफ्ट प्याज जब चावल के साथ आती है तो अच्छी नहीं लगती, जैसे बच्चे बोलते हैं गले में अटक रहा है, वॉमिटिंग प्रॉब्लम हो जाता है उनको, तो आप चाहें तो इन प्याज़ों को थोड़ा छोटा चॉप करके जैसे हम डालते हैं वैसे भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ लंबे ही डाले हैं, क्योंकि हमारी बच्ची खा लेती है, अभी वो थोड़ी बड़ी है, पर छोटे बच्चों को लेकर आप बनाएं, तीखा तो बनता नहीं है, ये सादा रहता है। हरी मिर्च तो मैंने अपने थोड़ा, मैं तीखा खाती हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है, आप हरी मिर्च बिल्कुल थोड़ा कम डाल सकती हैं। सूखी मिर्च आप यहाँ पर डाल दीजिए 2, मैं तो 3 ही डालूंगी, आपको पता है। आप भी सोच रहे होंगे कि बोलती 2 है डालती 3 है, क्योंकि मुझे तीखा बनाना है, आपको तीखा नहीं बनाना, आपको सिर्फ उसमें टेस्ट चाहिए। तो ये सफ़ेद तक हो चुका है प्याज हमारा, इसमें अब हमें ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, आपको ऐसा लग रहा होगा, आधा चम्मच नहीं, बिल्कुल 2 चम्मच डाल दीजिए, बहुत बड़े बड़े नहीं, सिंपल छोटी चम्मच है, उसके 2 चम्मच डालना है। अब इसको हमें हल्का सा भूनना है। ये देखिए, अब ये अदरक लहसुन भी पक चुका है। इसमें वैसे तो हल्दी और पिसी मिर्च बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका कलर थोड़ा वाइटिश होता है, पर बिना हल्दी के हमारे यहाँ खाना नहीं बनता, तो मैं इसमें बिल्कुल ज़रा सा ये हल्दी डाल देती हूँ, जिससे इसका वाइट भी ना हो पूरा, और इसका कलर एकदम पीला ना हो जाए, हल्का सा बस। अब इसमें हम अपने ये चावल और मसूर की दाल है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें दाल चावल डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे अपना स्वाद के अनुसार नमक, जितना आपको ऐसा लगता है कि इस फ्राई राइस में डालना चाहिए उतना आप नमक डालें। ये नमक डाल दिया मैंने, अब हम इसको नमक को अच्छे से मिला लेते हैं।
बस अब हमें इसमें डालना है पानी, पानी उतना ये सूखा बने, गीला नहीं बनता है। इसको ऐसा कर लिए ताकि चिपका हुआ चावल जब अलग हट जाए। अब ये दाल चावल के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। अब हमें कुकर को बस बंद कर देना है। ये मैंने कुकर बंद कर दिया है, अब हम इसे 2 सीटी आने तक पकने देते हैं। गैस ऑफ कर दिया है लेकिन अभी इसमें प्रेशर है तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। जब ये प्रेशर जब क्या पूरा ख़त्म हो जाएगा तब हम इसे खोलेंगे। हाँ ये देखिए अब ये पूरा प्रेशर निकल गया है तो हम कुकर को खोल लेते हैं। बाप रे क्या खुशबू है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। और आपने देखा ये इसका कलर, हम हल्दी और मिर्च नहीं डालते हैं तो ऐसा हल्का सा येलो या वाइट लगेगा, वो भी हल्दी हमने एक चुटकी जो डाली उसकी वजह से। ये देखिए इतना स्वादिष्ट लगता है ये, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बिरयानी बनाई है। आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन आप ज़रूर एक बार बना के देखिएगा, एक बार ट्राई करें तब आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये प्लेट में मैंने निकाल लिया, मैं तो गर्मा गर्म खाने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर घी ज़रूर डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डालूँगी, आप ज़रूर डालिए। अगर डालेंगे घी तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और हरा धनिया मत डालिएगा इसके साथ, क्या कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं आता। बाकी खाने में बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों, ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और प्लीज़ मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको। थैंक यू दोस्तों, जय श्री हरी।